लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, जहां भाजपा ने अपनी तैयारियां शुरू कर दी हैं। वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टी कांग्रेस अपने उम्मीदवारों की सूची अभी तक जारी नहीं कर पाई और कांग्रेस के तमाम बड़े नेता भाजपा में शामिल होते जा रहे हैं और यह सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज मध्य प्रदेश कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदेश उपाध्यक्ष डॉक्टर अमित तिवारी ने अपने सैकड़ों चिकित्सक साथियों के साथ भाजपा की सदस्यता उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल के हाथों ग्रहण किया। मीडिया से बात करते हुए डॉक्टर अमित तिवारी ने कहा कि वह उप मुख्यमंत्री के विकास कार्यों से प्रभावित है। कांग्रेस पार्टी द्वारा राम मंदिर का निमंत्रण ठुकराए जाने से सभी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य आहत थे और कांग्रेस अपने घिसी पिटी विचारधारा पर बंधी हुई है और अब भाजपा ही है जो देश को तरक्की के मार्ग पर ले जा सकती है, इसलिए आज सभी चिकित्सा प्रकोष्ठ के सदस्य भाजपा में शामिल हो रहे हैं। आपको बता दें कि इस मौके पर फार्मास्यूटिकल क्षेत्र से पंकज त्रिपाठी सहित पैरामेडिकल स्टाफ आयुष डॉक्टरों ने भी भाजपा ज्वाइन की। इस मौके पर मध्य प्रदेश के उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ल ने सभी सदस्यों का शॉल और पुष्प गुच्छ देकर स्वागत किया। आइए सुनाते हैं डॉक्टर अमित तिवारी ने रीवा स्टोरी मीडिया के टीम के साथ बात करते हुए क्या कुछ कहा। आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी पहले से ही बहुत सक्रिय थे चिकित्सा सुविधाओं को लेकर। आपने देखा होगा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल जो है कि सारे विशेषज्ञ जो हर फैकल्टी के हैं वो रीवा में रहें, उपलब्ध रहें कि रीवा से मरीजों को बाहर रेफर ना करना पड़े। स्वास्थ्य मंत्री बनने के साथ ही अभी हाल ही फिलहाल में दो बड़े कैंप, एक चूँकि मैं डेंटिस्ट हूँ, एक मुख कैंसर और ब्रेस्ट कैंसर का बड़ा कैंप हुआ जिसमें लगभग पूरे जगह 86,000 पेशेंट्स की स्क्रीनिंग हुई और लगभग 2,000 कंफर्म केसेज आए। कृष्णा राज कपूर ऑडिटोरियम में वो कैंप हुआ था डॉक्टर दिक्पाल धारकर इंदौर कैंसर फाउंडेशन के द्वारा। उसके बाद एक बीपी शुगर ब्लड सैंपलिंग का कैंप चले जिसमें कि लाखों लोगों की ब्लड सैंपलिंग हुई, जो कि सार्वजनिक जगहों पर, मंदिर में, स्कूलों में, हर जगह कैंप लगाए गए। कई बार कि जैसे निर्धन हैं, गरीब हैं, जो खून की जांच नहीं कराते, D3 विटामिन की कमी, खून की कमी, एनीमिया, ये एक जनरल चीज़ें, तो जिससे बीमारी का पता चले और सस्ते में इलाज हो सके। दूसरा आयुष्मान भारत योजना जो हेल्थ वाली है वो आप देख ही रहे होंगे कि ग्रास रूट लेवल पे जो निर्धन है, गरीब है, वहाँ तक इलाज सस्ते में, मुफ्त इलाज पहुँचे, ये योजना बहुत ही कारगर हुई, बहुत सक्सेसफुल हुई। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में, मतलब इससे पहले इतना काम कभी नहीं हुआ। विकास जो प्रदेश में भी दिख रहा है और पूरे देश में भी दिख रहा है, उससे प्रभावित होकर हम सारे डॉक्टर्स BJP ज्वाइन किए। नहीं, देखिए, जो विकास है उससे आदमी आंखें नहीं मूंद सकता है। जो आप प्रदेश में देख रहे हैं, देश में देख रहे हैं, जो मोदी जी के रीति नीति है भाजपा की, मोदी जी के नेतृत्व में जो स्वच्छ भारत अभियान है, आप चंद्रयान 3 की सफलता देख रहे हैं, आप आयुष्मान देख रहे हैं हेल्थ सेक्टर में कि गरीब से गरीब निर्धन आदमी तक इलाज पहुंच रहा है, सस्ते में इलाज पहुंच रहा है, ये सारी बातें हैं जो प्रभावित कर रही थी लगातार। और अगर अपन प्रदेश में देखें तो डबल इंजन सरकार जो चल रही है, विंध्य में देखें तो आप देख रहे हैं फ्लाईओवर्स बन रहे हैं, रिंग रोड बन रही है, सड़कें बन रही हैं, रीडेंसिफिकेशन से भवनों का निर्माण हो रहा है, शहर विकसित हो रहा है, पार्क बन रहे हैं, तालाब बन रहे हैं। आदरणीय उप मुख्यमंत्री राजेंद्र शुक्ला जी के नेतृत्व में रीवा उत्तरोत्तर प्रगति कर रहा है। ये सब देखते हुए प्रभावित होकर मेडिकल सेल हम सारे डॉक्टर्स कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के BJP मेडिकल सेल को ज्वाइन कर रहे हैं। वो बिल्कुल बिल्कुल प्रभावित हैं। मोदी जी जैसे देश में विकास कर रहे हैं, वैसे ही प्रदेश में, विंध्य प्रदेश में और मध्य प्रदेश में राजेंद्र शुक्ल जी के नेतृत्व में उत्तरोत्तर प्रगति हो रही है। वो तो दिख ही रहा है, उसमें बताने की ज़रूरत नहीं है, वो तो चारों तरफ दिख ही रहा है। आप रीवा को 15 साल पहले का रीवा और आज का रीवा देखिए तो रीवा कहाँ से कहाँ पहुँच गया, बड़े शहरों की श्रेणी में आ गया। बिल्कुल चुनौती नहीं है, अब तो नारा ही है, अब की बार 400 बार तो मोदी जी के ये नारे को हमको आगे बढ़ाना है और ज़्यादा से ज़्यादा सीटें मध्य प्रदेश में और पूरे देश में आए, यही हमारी कामना है। मिश्रा जी यहाँ से लोकप्रिय, जनार्दन मिश्रा जी आदरणीय यहाँ से लोकप्रिय सांसद रहे हैं और एक जन साधारण सरल
साधारण व्यक्ति की छवि उनकी रही है। और आप देख लीजिए, चाहे वंदे भारत ट्रेन हो, एयरपोर्ट हो, सब में उनका प्रयास रहा है, रीवा के विकास में हिस्सेदारी रही है। तो निश्चित ही रीवा की जनता ये देख रही है। और पिछले बार 3 लाख वोटों से जीत हुई थी, इस बार हम बोल रहे हैं कि 6 लाख से अधिक वोटों से जीतेंगे। कोई नहीं, हम तो संगठन का काम करने के लिए आए हैं। और भोपाल में भी कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के 80 पदाधिकारियों ने आदरणीय वीडी शर्मा जी, प्रदेश अध्यक्ष, और नरोत्तम मिश्रा जी के नेतृत्व में ज्वाइनिंग की। कल रीवा में, चूँकि मैं विंध्य क्षेत्र का प्रभारी भी हूँ, तो विंध्य क्षेत्र में 100 से अधिक कांग्रेस चिकित्सा प्रकोष्ठ के, जिसमें कि डॉक्टर्स हैं, डेंटल सर्जन्स हैं, आयुर्वेदिक चिकित्सक हैं, आयुष के चिकित्सक हैं, फार्मासिस्ट एसोसिएशन है, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, नर्सिंग स्टाफ है, ये सारे लोगों ने, कोविड एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं जिनको कोविड के दौरान मतलब काम किया, उसके बाद अभी नौकरी में नहीं है, वो सारे एसोसिएशन के लोग हैं। तो वो सारे लोग कल यहाँ रीवा में मेरे साथ ज्वाइनिंग किए हैं, जिसमें कि रीवा के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीप नारायण शर्मा जी हैं, सिंगरौली के जिलाध्यक्ष चिकित्सा प्रकोष्ठ के प्रदीप वैश जी हैं, सतना के जिलाध्यक्ष डॉक्टर दीपक कनौजिया जी हैं, कोविड एसोसिएशन के डॉक्टर SM शर्मा जी के नेतृत्व में कोविड एसोसिएशन के डॉक्टर्स हैं, फार्मासिस्ट विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष पंकज त्रिपाठी जी के नेतृत्व में फार्मासिस्ट विंग का विलय हुआ है BJP मेडिकल सेल में, और अमर पटेल जी हैं, कई लोग हैं, मतलब ऐसे ही प्रदेश में महाकौशल के प्रभारी, सागर के जिलाध्यक्ष, महू के जिलाध्यक्ष, भोपाल के, ये सारे लोगों ने BJP मेडिकल सेल। हम नहीं ले आए, लोग प्रभावित थे, लोग अपने से गए, एक वो था कि साथ में चलना है और सब प्रभावित थे तो चले गए।